मेरा रिक्वेस्ट है दीदी जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग्स और फॉरेक्स नेपाल से बिहार आ रहा है। ऐसे दो जवान बेटी है, बेटा मर गया, उस दोनों की शादी में हमारे तरफ से जिस घर में है 50,000 रुपया शादी में उसको हम देंगे। नेताओं का ब्लड जांच तो होता नहीं है, नेताओं का ब्लड जांच करेंगे तो पता चल जाएगा लगभग लोग दारू पीते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के वैशाली में कल बीती रात जिस तरह से एक दुखद हादसा और दिल दहलाने वाला हादसा निकल कर सामने आया, एक अनियंत्रित ट्रक ने कुल 8 लोगों की जान ले ली, जिसमें कुल 8 लोगों ने अपनी जान को गंवा बैठा। और देखिए, अब बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं। और इसी बीच देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी वहां पहुंचे हैं, यानी वैशाली जिले के देसरी पहुंचे हैं। और भीषण सड़क हादसे में, यानी दुर्घटना हुई थी उसमें, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और बिहार में महागठबंधन की सरकार से बड़ी मांग उन्होंने कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में नेपाल से सबसे ज्यादा नशीले पदार्थ जो है वो सामने आ रहे हैं, और ट्रांसपोर्टरों पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए और बड़ी मांग करते हुए बिहार सरकार से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। पांच हो ट्रांसपोर्टर की और ये टोल टैक्स वाले पर जहां पर पदाधिकारी है तो अरबों खरबों की संपत्ति निकलती है, अरबों खरबों सबकी ईडी की जांच हो जाए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है नीतीश जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग्स और फॉरेक्स और गांजा नेपाल से बिहार आ रहा, और 80% बच्चों के हाथ में कोलेक्स जा चुका है। क्या मांग करते हैं सर? सर, हमें चैलेंज में लेना चाहिए। शराब को आप बंद रखिए ताकि कॉमन आदमी के हाथ में नहीं जाए, तो टैक्स कर दीजिए ना, दिल्ली के तरह 70% 70% तो टैक्स बढ़ा दीजिए, तो बड़ा या तो माफिया पिएगा, या तो दलाल पिएगा, या तो पदाधिकारी, या तो नेता पिएगा, गरीब लोग नहीं पी पाएंगे। लेकिन हिम्मत यदि हम सबके बीच है तो जहरीली शराब को पूरा जहर उड़ा देना चाहिए। लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब 3-2 लाख रुपए का क्या, हम यहाँ आए हैं जिसके घर में बेटी है, जैसे दो जवान बेटी है, बेटा मर गया, उस दोनों की शादी में हमारे तरफ से जिस घर में है 50,000 रुपया शादी में पर्सनली परिवार के तरह हमारे तरफ से शादी में उसको हम देंगे किसी कीमत पर। लेकिन सवाल उठता है कि हम जहां जाकर के मदद कर देते हैं, क्या इसके बाद मौत नहीं होगी? इसके बाद ड्राइवर शराब नहीं पिएगा? क्या ड्राइवर की जांच होगी? क्या हर 2 साल के बाद ड्राइवर्स के ब्लड जांच होंगे? नेताओं का ब्लड जांच तो होता नहीं है, नेताओं का ब्लड जांच करेंगे तो पता चल जाएगा लगभग लोग दारू पीते हैं या क्या क्या पीते हैं। पदाधिकारी का ब्लड जांच तो होता नहीं, कहता है बाहर में पी लो, बाहर जाके पी लो, तो क्या जब मेरी आदत बनी रहेगी तो हम बिहार में छोड़ देंगे? तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार 4-4 लाख रुपए इन लोगों को देती है तो साथ में एक नौकरी भी दी जाए, और अगर इन्हें नौकरी नहीं दी जाती है तो पप्पू यादव अपने तरफ से जो है इन लोगों की, यानी जो भी बच्चियां थी जिनकी शादी भी होने वाली थी, ऐसी भी बात निकलकर सामने खबरों में आ रही थी कि मौत में जिस तरह से मृत्यु हुई है तो उनमें कई लड़कियां, कई बच्चियां ऐसी थी जिनकी कुछ ही महीनों में शादियां होने वाली थी, और पप्पू यादव ने कह दिया है कि 50,000 रुपए इन युवतियों के शादियों में ये खर्च करेंगे। और देखिए, बिहार सरकार से इन्होंने जांच की भी मांग की, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टरों पर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, और उनके साथ भी जांच की मांग और साफ सुथरी मांग की बात जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, इस खबर में सताइए, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।